माँ आज नया साल है, आप मुझे यहाँ पास वाले मंदिर ले चलो ना। लेकिन बेटा प्लीज माँ ले चलो ना। अच्छा ठीक है चल। ये लोग तो नीची जाति के, देखो देखो मंदिर में आ रहे हैं। अरे तुम लोग तो दलित हो ना, इस मंदिर में क्यों घुसे? अरे वो मेरी बेटी। क्या मेरी बेटी, निकलो यहाँ से। क्या ये लोग नीची जाति के हैं? अरे रे, पूरे मंदिर को अपवित्र कर दिया। चलो निकलो यहाँ से, भागो। ऐसे लोगों को तो आने ही नहीं देना चाहिए। लेकिन हम भी तो यहाँ दर्शन करने आए ना। नीची जाति के लोग बाहर से ही दर्शन करते हैं, मंदिर में नहीं घुसते। चलो निकलो यहाँ से। माँ ये नीची जाति क्या होता है? कुछ नहीं बेटा, चल यहाँ से। माँ हमारा नया घर कितना अच्छा है ना? हाँ बेटा। मुन्नी बेटा, सामान में से तो चाकू ही नहीं मिल रहा है, तू एक काम कर, पड़ोस वाली आंटी से मांग के ले आ जा। मेरा नाम मुन्नी है। हाँ आप कौन हो? आपको तो मैंने यहाँ पहली बार देखा है, किसका काम है? हाँ आंटी, हम यहाँ नए रहने आए हैं, हमारा चाकू नहीं मिल रहा था, इसलिए आप अपना चाकू कुछ देर के लिए दे सकते हैं? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम लोग कौन सी जाति के हो? हम तो दलित हैं। क्या तुम लोग दलित हो? आंटी चाकू। हाँ हाँ वो मैं ढूंढ के देती हूँ। अरे देखो चाकू तो यही पड़ा है, मैं ही ले लेती हूँ। अरे रे तू कहाँ घर के अंदर आ गई, निकल मेरे घर से बाहर, पूरे घर को अशुद्ध कर दिया। दीदी आप उस बच्ची को क्यों डांट रहे थे? अरे वो मुन्नी, अरे वो नीची जाति के लोग है, हमारे घर में आकर हमारे घर को अशुद्ध कर रही थी, इसलिए मैंने उसको डांट कर भगा दिया। दीदी आप कौन सी दुनिया में जी रहे हो, एक बच्ची हमारे घर को अशुद्ध कर देगी? क्या नीची जाति के लोग इंसान नहीं होते, तो फिर उनके साथ जानवरों जैसा बर्ताव क्यों? भगवान ने हमें बनाने में कोई भेदभाव नहीं किया, तो फिर हम कौन होते हैं ऊंच नीच का भेदभाव करने वाले? हम ऊंची जाति के हैं तो क्या हम अमर हैं? दीदी अगर आप मुन्नी की जगह होती और कोई आपके साथ ऐसा करता तो क्या आपको ठीक लगता? तो बिल्कुल सही कह रहा है, मेरी सोच घटिया थी उन लोगों की तरह जो जाति का भेदभाव करते हैं, बिना ये सोचे कि जीने का हक तो सबको एक समान है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। दीदी माफी मुझसे नहीं उसी से मांगो। मुन्नी बेटा मुझे माफ कर दे, ना जाने मैंने तुझे क्या क्या सुना दिया। अरे बहन जी आप माफ़ी मत मांगिए, कोई बात नहीं। मुन्नी बेटा अब से तू रोज आना मेरे घर पे, मैं तुझे बिल्कुल नहीं डांटूंगी। क्या मुझे मंदिर लेकर जाओगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर लेकर जाऊंगी। ये!